हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिकली HDFC लाइफ के बारे में। अगर मैं HDFC लाइफ से कंपेयर करूँ तो आपको पता होगा कि इस साल के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर का जो FDI है वो बढ़ा के इस बार 74% कर दिया गया 49% से। तो इसका फ़ायदा आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल में हमें बहुत अच्छा से दिखेगा। और मैंने बहुत सारे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं, बट मैंने इसी को इसलिए चूज़ किया कि HDFC हाउस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इससे पहले जो भी लिस्टेड थे HDFC के, जैसे HDFC बैंक और HDFC AMC, उन सब ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये थोड़ा नया स्टॉक है। तो अगर हम देखें इसको तो वन डे में इस स्टॉक ने बेस्ट वर्स्ट परफॉर्म किया है। 5 दिन में देखो आप, मंथली रिटर्न देखो आप इसका 4%, अगर 6 मंथ्स में देखें कितना रिटर्न दिया है तो ऑलमोस्ट 18%, 1 ईयर का अगर देखें हम इसको तो इसने ऑलमोस्ट 28% का दिया है, 5 ईयर का अगर हम ग्रोथ देखें तो 8K अराउंड 103%, और मैक्सिमम लेते हैं तो इट इज़ अराउंड 103% बिकॉज इट इज लिस्टेड ऑन 17 नवंबर 2017 में लिस्ट हुई थी कंपनी। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अगर हम बात करें इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के बारे में तो CAGR निकालने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में 344 पे था और आज की प्राइस अगर देखें इसकी हम 699 पे चल रही, जो कि मार्केट क्रैश के बाद 4.6% से गिरा था ये मार्केट क्रैश। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, तो बेसिकली आप 20 से 30 साल तक अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहोगे, इन्वेस्टेड रहोगे इस कंपनी के अंदर, तो ऑब्वियसली बात आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता लॉन्ग टर्म में। किसी भी छोटे से छोटे स्टॉक में भी आप इन्वेस्टेड रहते हो, बट पोर्टफोलियो को मैनेज करना जरूर होना चाहिए। अगर हाउस अच्छा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, आप पैसे को लगाओ और भूल जाओ। 10-20 साल बाद घूम फिर के कहीं से आना, देखना इस पैसे को, इतना हो जाएगा कि आप देख के परेशान हो जाओगे कि हुआ क्या। तो ये इफेक्ट है बेसिकली कंपाउंडिंग का। तो हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे इसका CAGR कितना आ रहा है 103.6% को। मैं गया CAGR कैलकुलेटर पे, मैंने सबसे पहले वैल्यू डाल दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 344, 699 अभी मेरी फाइनल इन्वेस्टमेंट है, 3 साल का टाइम था, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, 26.6% का इसका मेजर CAGR मिलेगा कैन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है ये। तो बेसिकली अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक लमसम कैलकुलेटर में चलते हैं, कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए। तो सबसे बढ़िया इसके अंदर जो अगर हम जाएंगे तो देख रहे होगा मैंने इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये डाल दिए और टाइम को मैं 30 ईयर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न मेरा 26% पे रहेगा, ठीक है। अब आते हैं तो योर रिज़ल्ट, दैट इज़ एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है 1,02,58,992 रुपये। तो बेसिकली 10,000 रुपये अगर आप आज लगाते हो और 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो, भाई 10,000 रुपये की कोई रकम बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी रकम है। 10,000 रुपये आप लगाओ और 30 साल के लिए भूल जाओ इस कंपनी के अंदर, ठीक है। 1,02,00,000 रुपये का रिटर्न आपको ये एक्सपेक्टेड दे सकती है, कि जिस तरीके का इसका रिटर्न है 26% के हिसाब से, जिस तरीके से दे रही है अभी चल रही है कंपनी। तो बेसिकली आप ग्राफ देख सकते हो, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो अपना रोल प्ले कर रहा है इस ग्राफ के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। बाय।